माता के कई मंदिरों में बलि की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन माता की एक शक्तिपीठ ऐसी भी है जो कभी तंत्र मंत्र की साधना का बड़ा स्थान हुआ करती थी। और इस मंदिर में रात गुजारना किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। और इस मंदिर में दो अद्भुत रक्त शिलाएं भी मौजूद हैं जो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, ऐसी ताकत रखती हैं। देखिए रक्त दंतिका मंदिर के रहस्य पर हमारी कवरेज। कल कल करके बहती बेतवा नदी और उसके पास मौजूद पहाड़ों पर विराजमान रक्त दंतिका माता का मंदिर एक ऐसा शक्तिपीठ जिसे तंत्र साधना का बड़ा केंद्र माना जाता था। देवी जी का जो दांत है, दांत में जो रक्त बहना हुआ है वही जो है, लेकिन वो सही नहीं, तार्किक रूप से सही नहीं लगता देवी जी, चूँकि वो वहाँ पे जो है मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था, तंत्र मंत्र साधना का था। जहाँ पर रात में रुकना एक दौर में असंभव था, दुर्गम जंगलों के बीच बने माता के मंदिर में सिर्फ बड़े साधक ही आ सकते थे। बलि का प्रावधान इस स्थान को आम लोगों के लिए रहस्यमयी बनाता था। यही वजह है रक्त दंतिका मंदिर पर लोगों की जितनी आस्था है उतना ही गहरा है माता के मंदिर का रहस्य भी। 51 शक्तिपीठों में शामिल रक्त दंतिका मंदिर जालौन के जिला मुख्यालय उरई से लगभग 40 किलोमीटर दूर सैद नगर में मौजूद है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती के दांत गिरने से इस स्थान को रक्त दंतिका मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र दुर्गा सप्तशती में भी किया गया। जो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी देवी, जो माया रूप में कंस के पास पहुंची थी, वो माँ रक्त दंतिका है, जिनका निवास यहाँ सैद नगर में है और यहाँ नित्य निवास इनका रहता है, ऐसा हमारे शास्त्र देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती कहते हैं। देवी रक्तदंतिका का यह मंदिर सदियों पुराना है और सदियों से यह शक्तिपीठ तंत्र मंत्र साधना का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बलि भी दी जाती थी। कोई भी साधक रात में मंदिर परिसर में नहीं रुक सकता था। कहा जाता है कुछ शक्तियां लोगों का रात में मंदिर में रुकना पसंद नहीं करती थी। मान्यता यह भी है जो भी इस मंदिर परिसर में रुका उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई। मान्यता है यहाँ पर माँ के दांत स्वरूप में मौजूद रक्त शिलाओं के पूजन से हर सिद्धि प्राप्त होती थी। एक शिला थी, जो शिला जो है उस शिला को जो है ये कहा जाता था कि देवी जी की वो है दांत है जो इसमें वो रहता है, देवी जी के दांत से उसमें रक्त स्राव होता है। इसीलिए इस जगह पर साधकों का जमावड़ा लगता था। इस मंदिर में मौजूद शिलाएं चमत्कारी हैं, जिन्हें माता सती के दांतों का स्वरूप माना जाता है। ये शिलाएं रक्तिम हैं। बताया जाता है इन शिलाओं को पानी से धो दिया जाए तो कुछ ही देर में ये शिलाएं फिर से रक्तिम हो जाती हैं। यहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित नहीं थी तब भी मुख्य पूजा इन्हीं शिलाओं की होती थी और आज भी यहाँ पर आने वाले भक्त इन्हीं शिलाओं को पूजनीय मानते हैं। वहाँ पे एक पत्थर की एक शिला जैसे रक्त दंतिका शिला कहते हैं, उस पर पूजन होता था। लेकिन जिस मंदिर में रात को रुकना किसी के लिए भी असंभव था वो लोगों के लिए सुलभ कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक रहस्यमयी सन्यासी का हाथ है जिसे स्थानीय लोग लंका बाबा के नाम से जानते हैं। लंका बाबा ने इस गुप्त जगह पर आकर धुनी रमाई, लोगों के मना करने के बावजूद घोर तपस्या की और चमत्कार हो गया। आज भी यहाँ पर इस चमत्कारी पुरुष की समाधि मौजूद है।
गांव के लोग आते थे एक दूसरे से पत्थर से खन खन के, वो अपने कोई दीपक रख जाता था, कोई कुछ रख जाता था। लेकिन आज लंका वाले महाराज की देन की कृपा से आज जो यहाँ ये चमत्कार दिखा रहा है, सारा चमत्कार उन्हीं का है। लंका वाले महाराज जी आए थे, ये समाधि है, वो उनके सामने समाधि है, सारी कहानी जो है उन्हीं ने यहाँ की प्रकट की है। धीरे धीरे रात में भी स्थान पर लोग ठहरने लगे और माँ रक्तदंतिका मंदिर के दर्शन करने वालों का तांता लगने लगा। हर मनोकामना को पूरा करने वाली रक्तदंतिका माता के मंदिर में लोगों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि माता के भक्तों को लगता है उन पर आने वाले हर संकट को माता दूर करती हैं। हम लोग यहाँ रक्तदंतिका मंदिर काफी सालों से आ रहे हैं, देवी माई की बड़ी कृपा रहती है, ये बुलाती हैं तो हम लोग दर्शन करने इनके जरूर आते हैं। जगत जननी है, इनकी तो अपार कृपा है। माँ रक्तदंतिका को लेकर एक और किंवदंती प्रचलित है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि माता यशोदा के घर पैदा हुई और कंस को उनकी मृत्यु की बात बताने वाली देवी ही यहाँ पर विराजमान है। देवी भागवत में इसका जिक्र भी मिलता है। माँ रक्तदंतिका और माँ अक्षरा सैदनगर में निवास है उनका। तीन देवियाँ अन्न हैं जिनका देवी भागवत में विधिवत व्याख्या दी गई है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में कहा गया है, रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त रचना रक्त दंतिका पतिम नारी बानु रक्ता देवी भक्तम भजे जिनम, इसलिए इनका नाम रक्त दंतिका पड़ा। फिलहाल मंदिर में होने वाली तंत्र साधना और बलि पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाती, लेकिन मंदिर को लेकर लोगों की आस्था पर इसका कोई फर्क नहीं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इतना ही मानते हैं कि माँ रक्तदंतिका उनके हर दुख का नाश करेंगी। जितेंद्र सोनी, जी मीडिया, जालौर। तो नवरात्र के समय पूरी सृष्टि माँ की भक्ति में लीन नजर आती है। देश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है, लेकिन आज हम आपको माता के एक ऐसे महाभक्तों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज से पहले शायद आपने कभी सुना ही नहीं। ये महाभक्त इंसान नहीं बल्कि वो चमगादड़ हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी कहा जाता है। लेकिन कहां पर ये रहस्यमयी जीव माँ की भक्ति में लीन है और क्यों इन महाभक्तों की भक्ति देखकर पूरा शहर नतमस्तक है, देखिए जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। चमत्कारी स्थान जहां विशाल पीपल के वृक्ष पर प्रकट हुई माता, क्यों इस दिव्य मंदिर में विराजमान माता के परम भक्त हैं हजारों चमगादड़। मां की आरती में क्यों रोज शामिल होता है चमगादड़ों का कुंबा। सबसे बड़ी बात है यहाँ के चमगादड़ों जो कि यहाँ सोलह कुल आरती के समय में बड़ी गूंज रहती है, उन लोगों को पाए चारों तौर विहार करते हैं, जमुना जी में कूदते हैं, वहां से आते हैं, फिर यहाँ मैया के दर्शन आते हैं। जो दुनिया के लिए रहस्य हैं उन पर क्यों बरसती है माता की कृपा। माँ चौरा देवी के चरणों को छोड़कर क्यों कहीं नहीं जाते ये चमगादड़। माता की मूर्ति की सुरक्षा करने वाले विजधर नागराज का रहस्य क्या है। तो यहाँ सर्वी पांच खन का आता था, ये जमुना जी से आता था और वहीं चला जाता, कुछ लोगों ने पहले देखा था। नवरात्र में माता के सिद्धपीठों पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। हर भक्त चाहता है नवरात्र के पवित्र दिनों में वो माता के दर्शन करके उनका कृपा पात्र बने। लेकिन यूपी के हमीरपुर में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां 365 दिन 24 घंटे
हजारों चमगादड़ माता के कृपा पात्र बनने के लिए एक वृक्ष पर लटके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो प्राचीन पेड़ है जिसको चमगादड़ों के मंदिर के पेड़ के तौर पर जाना जाता है, और ये चौरा देवी मंदिर परिसर में ही स्थित है जहाँ पर हजारों की संख्या में चमगादड़ निवास करते हैं और वहीं पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में चमगादड़ लटके हुए हैं और ये शाम के समय आरती में जाकर शामिल होते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है।